सभी को सादर साधुवाद मंगल कामनाएं। मैं भंते निपान जी एक शोध छात्र हूँ नई दिल्ली से। आज उपासक मनोज चंदानी जी समता टीवी आवाज से महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली ब्रांच के कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो इन्होंने बातों बातों में ही बोधिसत्व क्या होता है उसको जानने की कोशिश की। तो आइए जानते हैं कि बोधिसत्व कौन होता है या बोधिसत्व किसे कहते हैं। बोधिसत्व जो बुद्ध के धम्म में बुद्ध बनने के रास्ते पे चलता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। वो बोधिसत्व 10 पारमिताओं को पूर्ण करता है, दान सील वीर्य निष्कर्म ऐसे करके 10 पारमिताएं होती हैं। जब वह व्यक्ति 10 पारमिताओं को पूर्ण करता है तो वो बोधिसत्व बनता है। बोधिसत्व की उपाधि विश्व वंदनीय भिक्षु संघ ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नेपाल के विश्व बौद्ध सम्मेलन में दिया था, जिसमें बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आजीवन निस्वार्थ भाव से मानव कल्याण के लिए काम किया, जिसमें भारतवर्ष के जितने भी वंचित समाज के लोग हैं, वंचित तबके के लोग हैं, जो अधिकार विहीन लोग हैं, अधिकार विहीन लोग जिनको किसी भी तरीके के सुविधाओं का टोटा था, जिनके जीवन में सम्मान नाम का कोई चीज़ नहीं था, जो हमेशा हर एक तरीके के सुविधाओं से वंचित थे, ना सम्मान था, ना उनके जीवन में किसी भी तरीके का ना कोई सुविधा था, शिक्षा नहीं ले सकते थे, वो सम्मान नहीं ले सकते थे, वो पढ़ाई नहीं कर सकते थे, वो समाज के बराबर में नहीं रह सकते थे। तो इस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनके जीवन में अपना पूरा जीवन उनके हक और अधिकार के उत्थान के लिए लगा दिया। उनके प्रतिद्वंद्वी रहे हैं जिन्होंने उन्हें कभी सम्मान नहीं देने का काम किया। उनके प्रति जब उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिला तो उसके बाद उन्होंने बदले की भावना से कोई काम नहीं किया। ऐसा होता है बोधिसत्व का गुण कि जो निस्वार्थ भाव से मानव जाति के लिए कल्याण का काम करते हैं उन्हें बोधिसत्व कहते हैं, और वो बोधिसत्व बुद्ध बनने के पथ पर अग्रसर होते हैं। इस तरीके से हमें बुद्धिज्म जो तथागत का धम्म है, तथागत के धम्म में दान शील वीर्य निष्कर्म उपेक्षा मैत्री करुणा मुदिता ये जितने भी प्रकार की जो पारमिताएं हैं इसको पूर्ण करना ही पड़ता है। इस तरीके से अगर दान का दान पारमिता देखते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन का दान कर दिया, अपने कमाई का दान कर दिया, अपने पूरे समय का दान कर दिया। किसके लिए? इस मानव समाज को, जो वंचित समाज था, जो अधिकार विहीन समाज था, जो हर अधिकारों से विहीन था, उसको उठाने के लिए अपना पूरा जीवन दिया, अपने जीवन की कमाई दी। उन्होंने सबसे पहले जो भी अधिकार दिया शिक्षा के लिए लगाया, उसके बाद इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो प्रोवाइड किया अपने कलम के माध्यम से, उनको हमेशा अपमानित करने वाले पल पल भी जब उनका महापरिनिर्वाण होता है, महापरिनिर्वाण के बाद वो लोग भी अपने आप को ये कहने से नहीं रोक पाए कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोई भी लीडर इस भारतवर्ष में या इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। तो इसलिए कि बोधिसत्व तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो भी कार्य किए हैं वो किसी जाति समुदाय विशेष या जितने भी भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं, वर्ग विशेष जाति विशेष के लिए ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में रहने वाले नागरिकों के लिए काम किया, जिसमें जो भी अधिकार वंचित समाज था सबके लिए उन्होंने अधिकार देने का काम किया है। ये लोग गलत मैसेज डालते हैं कि उन्होंने एक समाज विशेष का जो लीडर कहते हैं, एक समाज विशेष का उनको प्रतिनिधि बोलते हैं, ये गलत बात है। उन्होंने भारतवर्ष में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए काम किया। इसलिए आज जब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, उनके अंदर बाबा साहब के बारे में जानने की इच्छा हो रही है, तो लोग जब बाबा साहब को पढ़ते हैं, चाहे वह किसी भी समाज के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी जगह के रहने वाले हो, भारत के किसी भी कोने के रहने वाले हो, यहाँ तक कि विश्व में भी जो जो कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, तो वो लोग भी बाबा साहब के कृतियों को, बाबा साहब के कार्यों को नमन कर रहे हैं कि धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हर
ज्यादती, हर जुल्म, हर तरीके के अपमान को सह करके भी उन्होंने अपने आप को यहाँ के रहने वाले जितने भी अधिकार विहीन समाज के लोग थे, अछूत समाज के लोग थे, सम्मान विहीन समाज के लोग थे, इन सब को हक अधिकार दिलाने का काम किया। और आज दुनिया में वो सर्वश्रेष्ठ लॉयर, सर्वश्रेष्ठ विधिवेत्ता, सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री और आधुनिक भारत के निर्माता के नाम से जाने जा रहे हैं। सारी दुनिया में उनके लिए रिसर्च चल रहा है, उनके जीवन पे रिसर्च चल रहा है, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह जापान हो, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वह कनाडा हो, विश्व के तमाम विकसित राष्ट्रों में बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आज शोध का कार्य चल रहा है। तो इसलिए जो बोधिसत्व दान पारमिता शील, वो इतने शीलवान थे कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो कोई भी पढ़ता है, बाबा साहब अम्बेडकर से सिर्फ लोग इसलिए नहीं डरते थे कि बाबा साहब के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बाबा साहब अम्बेडकर से इसलिए लोग डरते थे कि बाबा साहब शीलवान और चरित्रवान थे। बाबा साहब के ऊपर कोई आज तक किसी ने उंगली नहीं उठा पाई, और सिर्फ इसलिए भी कि वो बाबा साहब शीलवान और चरित्रवान थे। तो इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को जो बोधिसत्व कहते हैं, सिर्फ इसलिए ही नहीं कहते हैं कि उन्होंने समाज के लिए काम किया, उन्होंने अपने जीवन में जीवन भर, आजीवन अंतिम सांस तक मानव जाति के कल्याण के उत्थान के लिए काम किया। और मानव जाति को उत्थान के साथ साथ यहाँ पर जितने भी स्त्री पुरुष नारी सारे लोग हैं, सबके लिए कल्याण का काम किया, जिससे सारे लोग आज उनके द्वारा लिखे गए संविधान के अनुसार चल करके, चाहे वह किसी भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे वह किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, भारतवर्ष में किसी भी कोने का रहने वाला व्यक्ति हो, वह अपने आप को संविधान के माध्यम से किसी भी तरीके का कोई भी अत्याचार होता है, कोई भी उसके ऊपर गलत व्यवहार किया जाता है, तो संविधान के माध्यम से अपनी वह आवाज़ को उठाता है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार होता है। आज आप पूरे भारतवर्ष में देखिए जो स्थिति पैदा हुई है, आज अगर संविधान नहीं होता तो कोई भी अपने हक और अधिकार को नहीं उठा पाता, अपनी आवाज़ों को नहीं रख पाता। इसलिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर का और विश्व वंदनीय भिक्खु संघ का, कि सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी को सिर्फ बोधिसत्व इसलिए भी नहीं कहा कि उन्होंने काम किया इन समाज के लिए, उनके अंदर वो गुण थे, उनके गुणों के कारण विश्व वंदनीय भिक्खु संघ ने उनको बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की उपाधि दी। इसी के साथ हम ढेर सारी शुभकामनाएं करते हैं और आशा करते हैं कि जो भी आने वाली जनरेशन है, जो भी आने वाली पीढ़ी है, हम उनको सही तरीके से अपने बच्चों को जो बुद्धिज्म का जो ज्ञान है या बाबा साहब के बारे में या और भी जो महापुरुष हैं, हम उनको अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें। आज जो कंट्राडिक्शन हो रहा है, आज जो विरोधाभास हो रहा है, आज मंचों पे क्या होता है कि लोग अभद्र शब्दों का यूज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनके बारे में, उनके कृत्यों के बारे में, उनके जीवन के बारे में हमें अच्छे से बताना चाहिए, और अच्छे से बता करके हमें ओपन माइंड करना है, खुले दिमाग का होना है, खुले विचारों का होना है, कि जो भी अच्छी चीज़ें हमको एब्जॉर्व करना है, हमको एडजस्ट करना है, हमको ग्रहण करना है, ताकि हम भी इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में, भारतवर्ष को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में, एज ए एक सिटीजन, एज ए एक नागरिक के तौर पे हम भी अपना सहयोग कर सके। क्योंकि वर्तमान सिचुएशन जो है भारतवर्ष की, एक इतना भयावह है, इतना जिस स्थिति से भारत गुजर रहा है या भारतवर्ष के लोग गुजर रहे हैं, उस स्थिति से निकलने के लिए हर किसी को अपने अंदर शील समाधि और प्रज्ञा का ज्ञान लाना ही पड़ेगा, बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाना ही पड़ेगा। किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं होता है, किसी भी समस्या का हल आग का बदला, अगर आग को आग में डालेंगे तो वो समस्या सॉल्व नहीं होगा, उसको सॉल्व करने के लिए उस पर जल ही डालना पड़ेगा। तो इसलिए बुद्ध का जो धम्म है वो करुणा, मैत्री और मुदिता का धम्म है, और हमें सबसे एक दूसरे से मैत्री भाव करके, एक दूसरे से हमें प्रेम और एक दूसरे से अच्छे से संबंध स्थापित करके, अपने आप को भारत वर्ष के साथ साथ सारी दुनिया में हमें करुणा, मैत्री और मुदिता का संदेश देते हुए बुद्ध के संदेशों को सारी दुनिया में फैलाना है, ताकि सारी दुनिया के लोग बुद्ध के बताए गए रास्ते पर चल करके अपना कल्याण करें, और सब एक दूसरे से मैत्री भावपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाए। मैं एक बार पुनः समता आवाज़ टीवी के प्रोप्राइटर
उपासक मनोज अंतानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि जो समाज के आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से सारी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम ऐसी शुभकामना करते हैं कि ये इस चैनल के माध्यम से सारी दुनिया में जितने भी तथागत बुद्ध के उपदेश हैं, तथागत बुद्ध के संदेश हैं और जितने भी महापुरुषों के संदेश हैं जिन्होंने मानव जीवन के उत्थान के लिए काम किया है, उनको सारी दुनिया में फैलाने का काम करेंगे और इनका चैनल भी आगे बढ़ने का काम करेगा। हम ऐसी ही शुभकामनाएं करते हैं, ढेर सारी मंगल कामनाएं, साधुवाद, धन्यवाद और सबको सबके जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। भवतु शुभमंगलम, भवतु शुभमंगलम, भवतु शुभमंगलम, साधु साधु साधु।